गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, किन वैकेंसी के लिए टैट की जरूरत है और किन के लिए टैट की जरूरत नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो को आप सभी फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लेना जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चले गाइस, फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि देखिए, अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ या जो भी वैकेंसीज के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, वो सभी बिल्कुल सही हैं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि मैंने बीएड 2020 में पास आउट किया है और मुझे पता है कि मेरे चैनल पर जो ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जो ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो 2021 में पास आउट बीएड स्टूडेंट हैं। तो हम दोनों ही सेम पेज पर हैं, हम सभी सेम पेज पर हैं, सभी एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सभी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़ाई करने वाले हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने लिए कलेक्ट करूंगी वो मैं आप तक भी शेयर करूंगी जिससे कि आपको भी एक राइट पाथ मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाल फिलहाल में आने वाली वैकेंसीज के बारे में बताने वाली हूँ कि अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी और उनमें से कितनी वैकेंसी के लिए टैट की जरूरत है और कितनी के लिए टैट की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जिनके लिए टैट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है और कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिनके लिए टैट की जरूरत है। और 2021 के जो बीएड पास आउट स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका टैट क्वालिफाई है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका टैट क्वालिफाई नहीं है। और जब हम बीएड में पास आउट होते हैं ना, उस टाइम पर हमें कोई नॉलेज नहीं होती है कि ऐसी भी कुछ वैकेंसीज होती है जिनके लिए टैट की जरूरत नहीं होती है, और उस टाइम हमें बताने वाला कोई नहीं होता है। ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज मुझे अब हो रही है और मतलब अब पता चल रहा है कि बीएड के रहते रहते ही हमें अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर देनी चाहिए जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम अपनी गवर्नमेंट जॉब पा लें। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अभी से अपनी तैयारी कर लें और जब आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लें गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। और बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अभी जो स्टूडेंट है उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप अभी से अपने मेन एग्जाम के लिए, जिसके आप टीचर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी करना शुरू कर दें जिससे कि आप जब बीएड पास आउट हो तो उसके बाद जो पहली ही वैकेंसी आए आप उसको क्लियर कर लें, आप अपना सिलेक्शन ले लें। तो चलिए अब हम उन वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं जो अब आने वाली है। गाइज, ये चार वैकेंसियां हाल फिलहाल में आने वाली हैं, एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी। वैसे तो यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम अभी अगस्त में ही हुए हैं लेकिन ये वैकेंसी फिर से नवंबर में आ रही है। उसके बाद यूपी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आने वाली है और केवीएस के भी एग्जाम अभी आने वाले हैं, केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इनमें किसे किस वैकेंसी के लिए टैट की जरूरत है और किसके लिए टैट की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका टैट अभी क्वालिफाई नहीं है और कुछ ऐसे जिनका क्वालिफाई है। तो जिनका है वो तो सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल है लेकिन जिनका क्वालिफाई नहीं है वो कुछ एग्जाम्स के लिए ही एलिजिबल होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते हैं। और गाइस, अभी से आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद तैयारी करेंगे तो एग्जाम उस टाइम पे क्वालिफाई नहीं हो पाता है। अभी से ही तैयारी अगर हम करेंगे तो फिर डेफिनेटली एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाता है। आजकल एग्जाम का लेवल भी बढ़ गया है और आजकल कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ हो गया है। ठीक है, तो देखिए, ये जो एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है इनके लिए टैट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ये दोनों ही एग्जाम ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं, फर्क यहाँ पर इतना होता है कि एलटी ग्रेड में जीएस प्लस सब्जेक्ट होता है और यूपी टीजीटी पीजीटी में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें एक और डिफरेंस है कि एलटी ग्रेड में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और यूपी टीजीटी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी करेंगे तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि एलटी ग्रेड का लेवल टीजीटी पीजीटी से थोड़ा सा अप होता है। तो जब आप इसके लिए तैयारी करेंगे तो यहाँ पर आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो ये दो वैकेंसियाँ ऑलमोस्ट सेम सी ही होती हैं, इनमें दो डिफरेंस होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है और टैट इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए इन दोनों वैकेंसी के लिए। अब बात कर ले यूपी प्राइमरी टीचर की, तो देखिए इसके लिए टैट जरूरी होता है, टैट में भी पेपर वन आपका जरूरी होता है, पेपर टू आपका जरूरी नहीं होता है। और देखिए बात कर ले अब केवीएस के बारे में, तो केवीएस में पीआरटी आपका रहता है, टीजीटी रहता है और आपका पीजीटी रहता है। पीआरटी के लिए आपको सीटेट के पेपर वन की जरूरत होती है, टीजीटी के लिए सीटेट के पेपर टू की जरूरत होती है और केवीएस में आपका सीटेट ही वैलिड होता है, यूपीटेट वैलिड नहीं होता है। और पीजीटी की अगर हम बात करें तो अभी तक तो पीजीटी में टैट की जरूरत नहीं थी लेकिन जो सीटेट का नया नोटिफिकेशन आया है
उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के टैट की भी बात कही गई है। तो अब जो केवीएस की वैकेंसी आएगी उसमें अगर पीजीटी के लिए टैट के लिए बोला जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो अभी लास्ट केवीएस हुआ था वहां तक तो पीजीटी में कोई टैट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और गाइस केवीएस में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी नहीं होती है, यूपी प्राइमरी टीचर में भी नहीं होती है और केवीएस में भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो गाइस यही इन चारों जो वैकेंसी के बारे में मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। और अभी हाल फिलहाल में ये चारों ही वैकेंसी के आने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं नवंबर दिसंबर तक, तो तैयारी आप इन सभी के लिए अभी से ही करना स्टार्ट कर दें। तो गाइज यही कुछ चार वैकेंसी थी जिसमें से दो के लिए आपको टैट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और दो वैकेंसी के लिए आप लोगों को टैट की ज़रूरत है। तो गाइज आज की वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना। अब आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।